एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के लिए जब हम एसिंक टास्क को यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है एंड्रॉयड की तरफ से कि जब हमारे पास हमारा टास्क अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हम कोई भी वैल्यू जो रिटर्न करना चाहें वो हम रिटर्न कर सकते हैं। और जस्ट लाइक यूजिंग प्रोग्रेस, हमारे पास जो डू इन बैकग्राउंड मेथड होता है वो बेसिकली डायरेक्टली यूआई को एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन हमारे पास अगेन एक ऐसा तरीका मौजूद है कि हम बेसिकली एक ऐसे मेथड को डेटा पास करते हैं जो हमारा रन हो रहा होता है मेन थ्रेड के ऊपर। और हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर किस तरीके से जब हमारा एक एसिंक टास्क ऑब्जेक्ट यानी कि एक टास्क कंप्लीट होता है तो हम किस तरीके से उसमें से वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं और अपने यूआई के साथ या अपने मेन थ्रेड के साथ उसको एक कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट्सअप एवरीवन, अगेन सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे किस तरीके से जब हमारा एक एसिंक टास्क कंप्लीट हो जाता है, अपनी एग्जीक्यूशन जो भी काम हमने उसको दिया होता है, टास्क दिया होता है, वो कंप्लीट करता है, तो किस तरीके से हम वैल्यूज़ को रिटर्न कर सकते हैं और उसको यूआई या मेन थ्रेड के ऊपर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं एंड्रॉयड वीडियो के ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास लास्ट प्रोजेक्ट है अगेन। तो जिस तरीके से हमने पब्लिश प्रोग्रेस को यूज़ किया था, सेम वे हमारे पास एक मेथड, अगर मैं अगेन यहाँ पर नीचे जाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करूँ कंट्रोल ओ को, तो आपने देखा यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट, इसको मैं यहाँ पे ओके करूँगा। तो ये आपने देखा ये बेसिकली अगेन यहाँ पे सुपर क्लास का स्टब मेरे पास इंप्लीमेंटेशन, इसको रिमूव डिलीट करूँगा तो ये कुछ भी नहीं करता, बरल पॉसिबल है, बाजू का एक्सेप्शन दे देते हैं हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो रिटर्न टाइप हमने यहाँ पे डिफाइन की थी एसिंक टास्क को डिक्लेयर करते हुए डिफाइन करते हुए, तो वही बेसिकली रिटर्न टाइप हमारी डू इन बैकग्राउंड मेथड की है और वही बेसिकली ये पैरामीटर टाइप है हमारे पास यहाँ पे ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पे राइट नो जो मैं नल यहाँ पे पास कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी जो वैल्यू रिटर्न करना चाहूँ वो मैं यहाँ पे रिटर्न कर सकता हूँ। चूँकि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करनी है तो मैं यहाँ पे ही उसको रिटर्न करने के लिए कोई भी वैल्यू पास कर दूंगा, लाइक डाउनलोड कंप्लीटेड। और डेटा कोई किसी भी तरह का हो आप रिटर्न करने के लिए स्टैंडर्ड जावा के रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे मेरे पास डू इन बैकग्राउंड की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग या ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगी और सिंपल मैं यहाँ पे लॉग यूज़ करूँगा और एस उसको यहाँ पे पास कर दूँगा, तो मेरे पास जो मेरी वैल्यू होगी वो यू आई के ऊपर शो होना शुरू हो जाएगी। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप देखें कि जो बेसिकली हमें पैरामीटर्स रिसीव होते हैं यहाँ पे डू इन बैकग्राउंड के अंदर और ऑन प्रोग्रेस अपडेट के अंदर, वो बेसिकली हमारे पास सरेज होती हैं, लेकिन जो वैल्यू हमें रिसीव होती है ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट के अंदर यानी कि एग्जीक्यूशन के बाद जो हमारा मेथड कॉल होता है ये वाला, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जीक्यूट होती है, एक ही वैल्यू हमें रिसीव होती है। तो अगर आप कुछ मोर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ कर रहे हैं लाइक डेटाबेस में से यूज़र्स की डाउनलोड कर रहे हैं लिस्ट को, या लिस्ट में आप मल्टीपल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप बेसिकली यहाँ पे उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, मोर कॉम्प्लिकेटेड होगी। तो मैंने जो कि स्टैंडर्ड स्ट्रिंग डिफाइन की हुई है तो एक ही वैल्यू मैं रिटर्न कर सकूँगा, तो मैंने यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न की, आपने देखा यहाँ पे रिटर्न टाइप, और वो मैं यहाँ पे रिसीव होगी। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को पहले स्टॉप करता हूँ और दोबारा एक दफ़ा रन करता हूँ, एमुलेटर के ऊपर जाऊँगा तो क्लियर करता हूँ अपनी लॉग आउटपुट को और क्लिक करता हूँ रन कोड के ऊपर। तो आपने देखा रनिंग कोड रेड ग्रीन ब्लू येलो और मेरा पहला जो थ्रेड था वो कंप्लीट हो गया, अगेन रेड ग्रीन और सेकंड। अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे हमने बेसिकली दो एसिंक टास्क के जो इंस्टेंस है वो क्रिएट किए हैं, माई टास्क टू, इसलिए मुझे यहाँ पर दो दफ़ा डाउनलोड कम्प्लीटेड का जो है वो मैसेज छोड़ा। अगर मैं दो दफ़ा यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आपने देखा मैं बेसिकली न्यू इंस्टेंस जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, एक मेरा इंस्टेंस क्रिएट हुआ गेन मेरे पास, क्योंकि मैंने अब दो दफ़ा क्लिक किया था रन कोड के ऊपर तो मैंने चार बेसिकली इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किए थे अपने एसिंक टास्क के, तो वो मेरे पास यहाँ पे रन होना शुरू हो गए। तो ये था गाइस वीडियो तो छोटी थी कि किस तरीके से हम बेसिकली एसिंक टास्क से कोई भी वैल्यू जो रिटर्न करना चाहे वो हम रिटर्न कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने यूआई के ऊपर या यूआई अपडेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे अगेन मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो सारा काम वही है जो हमने ऑलरेडी थ्रेड्स और हैंडलर्स लूपर्स वगैरह के साथ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है हमारे पास और काफ़ी ज़्यादा बॉयलरप्लेट कोड जो हमें करना पड़ता है, लाइक मैसेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, अगेन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था बंडल क्रिएट करें, फिर मैसेज को हैंडलर के थ्रू डिस्पैच करें, फिर उसको जो है वो हैंडल करें और उसको जो है वो हैंडलर के अंदर रिसीव करके उसको मैनेज करें, तो वो सारे का सारा कोड हमें यहाँ पे नहीं करना पड़ता और ये आर्किटेक्चर हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर वो कर रहा होता है। तो अगेन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पहली वाली जो शुरू की 7-8 वीडियोज थी जिसमें मैंने आपको बताया हैंडलर्स के हैं, लूपर्स के हैं, मैसेजेस के हैं, हमारे पास रनेबल क्या है, किस तरीके से हमने उनकी आपस में कम्युनिकेशन करवानी है। अब चूंकि उन चीज़ों की हमें अंडरस्टैंडिंग है तो आपके लिए इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ईजी होगा कि बैकग्राउंड के ऊपर बेसिकली हमारे पास क्या हो रहा है। तो वीडियो किसी के साथ स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम किसी भी एसिंक टास्क ऑब्जेक्ट को जो हमारे पास अभी एग्जीक्यूशन के दरमियान में है, उसकी एग्जीक्यूशन हो रही है, जो रन हो रहा है, उसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो वो हम किस तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।